पुणे के रहने वाले नितिन अपने पेट डॉग फ्लफी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फ्लफी भी उनके परिवार के सदस्य जैसा ही है, हमेशा उनके साथ रहता है। ट्रैवल के दौरान भी वो बच्चों की तरह उनका ख्याल रखते हैं, साथ ही हर महीने उसकी ग्रूमिंग और स्टाइलिंग भी करवाते हैं। लेकिन बीते महीने उनका फ्लफी अचानक से बीमार पड़ गया, उसके मुँह में अल्सर हो गया था। वो उसे वेटनरी डॉक्टर के पास ले गए, इलाज करवाया, ऑपरेशन हुआ। इसका खर्च करीब 40,000 रुपये आया। ये खर्च उन्हें अपनी जेब से ही भरना पड़ा, लेकिन अगर उन्होंने अपने पेट का इंश्योरेंस करवाया होता तो उनकी जेब को थोड़ा राहत जरूर मिल जाती। जी हाँ, आप अपने पालतू पशु जैसे कुत्ते बिल्ली आदि का इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। आज के टाइम में पालतू जानवरों में मेडिकल केयर से संबंधित खर्चे जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए ये इंश्योरेंस किसी भी अनहोनी के टाइम पर आपका साथ निभा सकता है। यहाँ शुरुआत करने से पहले हमें पालतू पशु के बीमा से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातों को समझना होगा। आमतौर पर इसके कवरेज में आपके पालतू जानवर के साथ होने वाली दुर्घटनाओं या बीमारियों के लिए चिकित्सा व्यय यानी कि ट्रीटमेंट में होने वाला खर्च शामिल होता है। कुछ पॉलिसियाँ जीरो वेटिंग पीरियड के साथ दुर्घटनाओं को भी कवर करती हैं। इसके अलावा कुछ पॉलिसियाँ आपके पेट को खो जाने या चोरी हो जाने जैसी स्थितियों को भी कवर करती हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका बीमाकृत पालतू जानवर जिसका बीमा आपने करवाया हुआ है वो चोरी हो जाता है या भटक जाता है, तो कुछ पॉलिसियां ना केवल उसे पाने के लिए विज्ञापन लागत को भी कवर करती हैं, बल्कि खोए या चोरी हुए पालतू जानवर का सफलतापूर्वक पता लगाने में आपकी मदद करती हैं और ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए भी वो सहायता करती हैं। अब जान लेते हैं कि इसकी कुछ सीमाएँ होती हैं और वो क्या हैं। पहली सीमा उम्र से जुड़ी है। जिस तरह इंसानों के बीमा में उम्र तय होती है, उसी तरह पेट के इंश्योरेंस में भी उम्र तय की जाती है। आप अपने पालतू जानवर का बीमा केवल 3 महीने की उम्र से लेकर 10 साल तक की कुछ उम्र तक ही पॉलिसीज में करवा सकते हैं। कुछ बीमा कंपनियों ने बिल्लियों और कुत्तों की सभी नस्लों के लिए भी पालतू पशु बीमा प्रदान करना शुरू कर दिया है। चलिए अब जान लेते हैं कि पॉलिसीज आखिर मिलती कहाँ पर है। तो आजकल पालतू पशु बीमा पॉलिसी प्राप्त करना ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से अवेलेबल है। ऑनलाइन आप ऐसी पॉलिसीज पेश करने वाली बीमा कंपनी की वेबसाइट तलाश सकते हैं। ओरिएंटल जैसी सरकारी और फ्यूचर जनरली जैसी प्राइवेट बीमा कंपनी इस तरह की बीमा कंपनी होती हैं जो ये बीमा देती हैं। ऑफलाइन बीमा कंपनी के प्रतिनिधि एवं एजेंटों से परामर्श करने से उपलब्ध पॉलिसी ऑप्शंस के बारे में जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ ज़रूरी है कि बीमा लेने से पहले आप इनके नियम और शर्तों को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इस बीमा में कई पेज होते हैं, कई सारे नियम और शर्त और परिस्थितियाँ होती हैं। तो कई बार बीमा कंपनियाँ कुछ महंगी नस्ल के पशुओं का ही बीमा करती हैं। अब जान लेते हैं कि पेट इंश्योरेंस का फ़ायदा क्या होता है। इसका सीधा फायदा होता है कि आपके पेट का इलाज खर्च आप पे कवर कर सकते हैं और पेट के खो जाने में राहत आपको मिलती है। आज के टाइम में हाइब्रिड पेट्स की काफ़ी डिमांड है, जिसके कारण इनकी कीमत 20,000 से शुरू होकर कई लाख तक जाती है। ऐसे में इनके खो जाने या फिर बीमार हो जाने से आपको भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। बजट की कमी अक्सर पालतू जानवरों की हेल्थ केयर के ऑप्शंस को सीमित कर देती है। पालतू पशुओं का बीमा होने से उन महत्वपूर्ण खर्चों से आप बच सकते हैं जो आपकी बचत में सेंध लगा सकते हैं। यहाँ हम पेट इंश्योरेंस के थर्ड पार्टी लायबिलिटीज कवरेज को भी समझ लेते हैं। थर्ड पार्टी से जुड़ी दुर्घटनाएं किसी भी समय हो सकती हैं। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक कुत्ते का मालिक उसे किसी सड़क या पार्क में ले जाता है, जहां कुत्ता उत्तेजित होकर एक राहगीर पर कूद जाता है, उस पर हमला कर देता है, जिससे वह फिसल जाता है और घायल हो जाता है। ऐसी दुर्घटनापूर्ण दृष्टियों में घायल व्यक्ति दुर्घटना के कारण हुए चिकित्सा खर्चों के लिए पालतू जानवर के मालिक को जिम्मेदार ठहरा सकता है। यहाँ यदि प्रभावित पक्ष पालतू जानवर के मालिक के खिलाफ केस करने का निर्णय लेता है, तो पालतू पशु बीमा पॉलिसी में थर्ड पार्टी कवरेज घायल व्यक्ति के चिकित्सा बिल और संभावित कानूनी शुल्क को कवर करने के लिए भी कदम उठाएगा। तो इस तरह से अगर आप अपने पेट का बीमा कराते हैं तो ये ना सिर्फ इसके ट्रीटमेंट में आपको मदद करेगा, बल्कि ऐसी कुछ दुर्घटनापूर्ण स्थितियों में भी आपके काम आएगा। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मनी9।